परसेंट तक हो सकते हैं। जब मुझे दिखता है कि एक कम्युनिटी है जिसमें हिंदुस्तान की 50% आबादी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरीज में 3 लोग हैं, 90 में से 3, और वो 5% बजट को कंट्रोल करते हैं, तो मुझे गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है। इस देश में हो क्या रहा है? एक तरफ हम अदानी जी को देश के पूरे इंस्टीट्यूशंस पकड़ा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी, और दूसरी हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है जो हिंदुस्तान को चलाते हैं, उनको हम हिंदुस्तान को चलाने में, सरकार को चलाने में कोई जगह नहीं देते हैं, दबा के निकाल देते हैं। तो इससे मुझे इरिटेशन हो रही है। और जैसे ही हमारी सरकार आएगी, हमने वहां पे कर्नाटक में कहा था कि जिस दिन आएगी उस दिन हमारी 5 गारंटीज लागू हो जाएंगी। సంతానలేమి సమస్యతో బాధపడుతున్నారా? చింతించకండి. సుమారు 90,000 జంటలకు ఆనందం నింపింది ఓఎస్ఎస్ ఫర్టిలిటీ. ఈ రోజే 7825893699 కి కాల్ చేయండి. సంతానోత్పత్తి చికిత్సపై భారీ డిస్కౌంట్లు పొందండి. గుడ్ న్యూస్ చెప్పండి. యహాబి మే కహ రహా హూ, హమారీ సర్కార్ ఆయేగీ, కా సెన్సస్ హోగా ఔర్ దేశ్ కో పతా లగేగా కి హమారే ఓబీసీ భాయి కిత్నే హై, దళిత్ భాయి కిత్నే హై, ఔర్ ఉన్కో దేశ్ కో చలానే మే భాగీదారీ మిలేగీ. ये मैं आपको कह रहा हूं, ये छोटी प्रोसेस नहीं होगी, एक दिन में नहीं होगा, मगर नियत समझिए। आप नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, अमित शाह जी ने कहा कि हमने ओबीसी को विधानसभा में लोकसभा में डाला है, आप मुझे बता दीजिए कानून बनाने में, बजट में उनकी क्या भागीदारी है? पहले 50-60 साल पहले डिबेट्स होती थी, एमपीज का रोल होता था, एमपी कानून बनाते थे, हमारी पार्टी में भी एमपीज को हम रोल देते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, नरेगा में इन्वॉल्व करते हैं। आप किसी भी बीजेपी के एमपी से पूछ लीजिए, विधानसभा में किसी भी स्टेट में पूछ लीजिए, सरकार चलाने में उनकी क्या भागीदारी है, जवाब देंगे हमारा कोई रोल नहीं है। ये जो मैंने मूर्ति की एनालॉजी आपको दी है, ये बीजेपी के एमपी ने मुझे लोकसभा, पुरानी बिल्डिंग में लोकसभा के बाहर बुलाया है कि हमें यहां पे बैठा रखा है, हमारा फायदा उठा रहे हैं, हमारी कोई भागीदारी नहीं है सरकार को चलाने में। थैंक यू।